भाई एक मिनट। संयुक्ता किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म सिक्किम वर्कर्स की उंजुमन ने एक साथ फैसला लिया है आज भारत बंद का, गांवों में, शहरों में। और मांग ये है कि किसानों के साथ जो वादे किए गए उनको निभाना सरकार की जिम्मेदारी है। और जो किसानों की फसल है वो घाटे में चल रहे हैं, महंगाई की वजह से हमारे किसानों की कमर टूट चुकी है। वो मुतालबा करते हैं कि हमारी फसल की वाजिब कीमत मिले, जो स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की है उन सिफारिशात को लागू किया जाए। और इसके साथ ही जो इस सरकार ने जो खरबपति लोगों के कर्जे माफ़ किए हैं, किसान ये कहता है कि हम आज भुखमरी के शिकार हैं, कर्ज ने हमारी कमर को तोड़ के रखा है। एक बार किसानों को भी कर्ज में माफ़ी का मौका मिलना चाहिए, कर्ज माफ़ किए जाने चाहिए, ये मांगे हैं, ताकि हम खुदकशी से बच सके, ताकि हमें भी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। जहाँ तक आम मजदूरों का ताल्लुक है, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, सिक्किम वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका इनकी मांग ये है, हमें जो इस वक्त वेजेस मिल रहे हैं वो न होने के बराबर है।